ईश्वर ही है और है कौन। तो तेज विश्वास के साथ जो कॉन्फिडेंस है वो हमें लाना है। थोड़ा भी डाउट पीछे चल रहा है तो चमत्कार नहीं होते हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है, आपकी कृपा से यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान हर इंसान सीख ले, वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं उन डीएस से, यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें, वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है, स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें, बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े,
ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो, भोजन को पूरे ध्यान से खाएं ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है, केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं, तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है, द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास, सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता, ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें, किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है, विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं, ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है, तंदुरुस्ती संतुष्टि पानी है, यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तपर्पण करेंगे सभी के मंगल के लिए, अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तेज विश्वास है तो कैसे इंसान चलेगा, वो हर दृश्य को कैसे देखेगा, कूल होगा, एक्साइटमेंट जो होते हो, क्रिकेट मैच देख रहे, एक्साइटमेंट चल रही है, कूल नहीं देख रहा है, क्या लीला है। आजू बाजू जो लोग नाखूनों से खून निकाल रहे, अपने ही होठ चबा रहे, तो उन पर करुणा होगी कि ऐसा क्यों कर रहे है? इतना दुख भुगतने की जरूरत नहीं है, और क्या आदत डाल रहे, ये आदत बहुत तकलीफ हो जाएगी, चाहत की चाहत तकलीफ देने लग जाएगी, तो उनको बताए, अपनी तरफ से प्रयास होगा कि उनको बताया जाए। जो ग्रहणशील है, सिंगल माइंडेड है, वो जल्दी उस बात को पकड़ेगा। जिसके पास बहुत वैरायटी है, मन के पास बहुत वैरायटी है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हजारों चीजें है, तो लगा रहता है, डबल माइंडेड होकर ही पूरा जीवन काट लेता है, उसके लाइफ में चमत्कार नहीं होता, चमत्कार होने जा रहा था तो दूसरा विचार शुरू हुआ, पानी से बाप बनने ही वाली थी कि दूसरा गैस ऑन कर दिया, ये बंद कर दिया कि शायद ये हो जाए, ये बर्तन का पानी बाप बन जाए, वो होने लगा तो वो बंद करके ये चालू किया। जिंदगी भर गैस बदलते रहे, डबल माइंडेड रहे, शायद इधर चाय बनेगी, शायद उधर चाय बनेगी, कहाँ नहीं बनी, वही नहीं कुछ जीवन में। तो तेज विश्वास के साथ जो कॉन्फिडेंस है वो हमें लाना है। थोड़ा भी डाउट पीछे चल रहा है तो चमत्कार नहीं होता है। और फिर रास्ते में बताया है कि प्लस माइंडेड होना, नकारात्मक विचार रखने वाला है, दुनिया भर की नकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जब भी नकारात्मक विचार आया तो लेकिन शब्द इस्तेमाल करना, बट, और लेकिन शब्द के साथ कहोगे कि अब संभव है, उसका असर होने जा रहा था बॉडी पर, जैसे आप नकारात्मक विचार करते हो कैसा लगता है, एक न्यूज भी सुना, कोई नेगेटिव न्यूज भी सुनते हो तो कैसे अंदर मरोटे पड़ने लगते हैं, लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कैसे शरीर की हालत होती है, तो लेकिन शब्द जोड़कर देखोगे आपने उसे रोक दिया, नकारात्मक विचारों का असर खत्म कर दिया। तो हर एक को प्लस माइंडेड बनना है, प्रेजेंट माइंडेड बनना है, चारों तरफ क्या चल रहा है और हर घटना हर इंसान से बातचीत करके साइमल्टेनियसली साथ साथ अपने अंदर क्या चल रहा है, अपने आप से मत छुपाओ अपनी कमजोरियां कि देखो हम ऐसा सोचते हैं, आज की तारीख में जैसे भी सोच रहे पहले वो तो सामने आए, फिर पता चलेगा कि कैसे विचार आने चाहिए थे, किस समझ से कौन से विचार आते हैं, तो आप मुक्ति के रास्ते पर चल पड़े प्रेजेंट माइंडेड बनकर, अब्सेंट माइंडेड नहीं बनना है, वरना अब्सेंट माइंडेड लोग अपनी ऑफिस में जाकर कहीं किसी ने बोर्ड चेंज कर दिया हो इन और आउट का, अंदर अरे पर्सन अंदर है वह बाहर से चला गया अपनी ऑफिस,
अपना ही नाम बढ़कर, इसको याद ही नहीं आया, आया देखा वर्ड, जैसे कि हर जगह हैबिट होती है ना, या इन लिखा अंदर कुछ है कोई और है तो चले गए बाहर से, कोई और है तो हम कैसे जा सकते हैं, चले गए, माइंड कहीं और है, ऑब्सेसिव माइंडेड है, फिर सिंगल माइंडेड बनना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।